गणतंत्र दिवस के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से राजधानी दिल्ली में विशेष सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली में पुलिस और सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बैरिकेड लगाकर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वहीं राजधानी में जगह जगह कमांडो दस्तों ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जो हाईटेक हथियारों से लैस है। इनकी चुस्ती देखने लायक है, इनकी फुर्ती का जवाब नहीं। दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडो दस्ते के जवान पलक झपकते ही किसी भी संकट से निपटने में निपुण हैं। ये कमांडो कड़ी मेहनत से गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटे हैं। 26 जनवरी को संवेदनशील जगहों पर तैनात ये कमांडो राजधानी को फुल प्रूफ सुरक्षा कवर मुहैया कराएंगे। देखिए, कमांडो का डिप्लॉयमेंट जो होता है वो क्रिटिकल सिचुएशन कोई हो जाए उसके लिए डिप्लॉयमेंट उनके रहती है। कोई भी इस तरह की सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन हो, इवैक्यूएशन की हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसके लिए उनकी टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं वो होती है। उसके लिए एक फिटनेस एक इंटीग्रल पार्ट है कमांडो का। दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राजधानी के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट हैं। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के सिलसिले में दिल्ली को 28 सिक्योरिटी जोन में बांटा गया है। इनमें दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे। केवल कर्तव्य पथ पर 14,000 जवान तैनात रहेंगे, जहां गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी। इसके अलावा जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी होगी। तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के सिचुएशन को राइट फ्रॉम फैसिलिटेशन से लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात अगर होती है या सिचुएशन होता है उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल रेडीनेस सिचुएशन में है। जाहिर है, दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की आतंकी या शरारती साजिश को नाकाम किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने खास तौर से कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें तमाम जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से आ रही तस्वीरों पर नजर रखी जा सके और कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो तत्काल एक्शन लिया जा सके। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ इन्वाइटीज है उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है, तो इस वजह से हमें और भी ज्यादा अपना सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है उसको स्टेप अप करना पड़ा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन आज रात 10 बजे से दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। स्पेशल रिक्वेस्ट ये रहेगी जो कि हर बार होती है कि मैक्सिमम पार्क एंड राइड और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज किया जा सके, ताकि एक जो ट्रैफिक बॉटलनेक अगर इंडिविजुअल व्हीकल आने से हो सकता है उसको मैक्सिमम अवॉइड किया जा सकेगा और उतनी ही पब्लिक इनकन्वीनियंस कम होगी। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट और नेताजी सुभाष मार्ग पर तड़के 4 बजे से ही आवाजाही पर रोक रहेगी, लिहाजा बसों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आम लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी ताकि परेड देखने जाने वालों को दिक्कत ना हो। हालांकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से वही लोग बाहर आ जा सकेंगे जिनके पास गणतंत्र दिवस परेड का पास, कार्ड या ई टिकट होगा। लिहाजा यदि आप 26 जनवरी की सुबह कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी पर नजर जरूर डाल लें। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।